स्टूडेंट्स, आज हम कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम देखेंगे कि कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स हम उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं दैट बाइंड टू एस्टाइल कोलिन क्या है? दिस इज द न्यूरो ट्रांसमीटर। इसके साथ जो रिसेप्टर्स बाइंड हो जाते हैं वी कॉल देम एज कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब ये जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट एक को हम बोलते हैं मस्करिनिक रिसेप्टर्स एंड नंबर टू इज निकोटिनिक। ये जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू मस्करिन। ये मस्करिन की सेंसिटिविटी दिखाते हैं। मस्करिन क्या है? मस्करिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि हम मशरूम से लेते हैं, एमेंशिया मस्कैरिया। ये वो एल्कलॉइड है जो कि एमेंशिया मस्कैरिया में फाउंड होता है, यानी कि प्रेजेंट होता है। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये उनके लिए सेंसिटिव होते हैं, मीन्स दे बाइंड मस्करिन। अब हम इसी के टाइप्स देखेंगे कि ये जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये यूजुअली हमने मस्करिनिक रिसेप्टर्स को 1 to 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, M1 to M5। ये जो M1 to M5 मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं हम देखेंगे कि इनकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन कहाँ पे होती है, लोकेशन ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर्स ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, अभी मैंने बोला कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, यानी कि मस्करिनिक रिसेप्टर्स आर ऑफ 5 टाइप्स, 1 to 5। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्करिनिक रिसेप्टर्स कहाँ पे पाए जाते हैं। M1 जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन ऑटोनॉमिक गैंगली, ऑटोनॉमिक गैंगली एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ऑटोनॉमिक गैंगली और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में M1 रिसेप्टर पाया जाता है, मस्करिनिक रिसेप्टर। अब हम देखेंगे M2 रिसेप्टर जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन हार्ट एंड स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट टाइप दैट इज M3 रिसेप्टर जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स। M4 and M5 दैट इज प्रेजेंट इन CNS. This is the location of the muscarinic type of receptors. अब हम देखेंगे next receptor type जो होता है that we call as nicotinic receptors. ये जो nicotinic receptors होते हैं ये वो receptors होते हैं जो कि sensitive to निकोटीन, इसीलिए इनका नाम पड़ा है मस्करिन एंड निकोटीन, बिकॉज ऑफ देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स निकोटीन एंड मस्करिन। ये जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्चुअली आयन चैनल्स होते हैं, दीज आर आयन चैनल्स। आयन चैनल्स मीन्स ये अपने में से कैटाइन्स को इन एंड आउट कराते हैं, मीन्स ये कैटाइन्स का रास्ता होता है। ये जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट्स। निकोटीनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ये 5 सब यूनिट्स के बने होते हैं। इसमें कौन कौन से सब यूनिट्स पाए गए हैं? दीज आर 2 alpha, 1 beta, 1 gamma and 1 delta. These are the sub units present in the
निकोटिनिक रिसेप्टर। जब ये एस्टाइल कोलिन बाइंड हो जाता है टू द रिसेप्टर, ट्रिटिस रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, इससे क्या होता है, देयर इज एन एंट्री ऑफ सोडियम आयन्स इनटू द सेल। यानी कि ये मैंने पहले ही बोला, ये तो आइए आयन चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह जब एस्टाइल कोलिन इसके साथ बाइंड हो जाता है तो सोडियम आयन्स चले जाते हैं इनसाइड द सेल, यानी कि सोडियम चैनल, सोडियम आयन्स जो होते हैं वो बाहर से अंदर आ जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे फिर फर्दर एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट होता है, जो कि फर्दर ये मतलब एक्शन प्रोपोगेट होता है। दिस इज द रिसेप्टर। और ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी दो सब टाइप्स के पाए गए हैं, सब टाइप्स, जस्ट गॉट टू सब टाइप्स। एक को हम बोलते हैं एन एम रिसेप्टर्स, एन इसको डिनोटेड बाय एन एम। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स, दीज आर प्रेजेंट एट स्केलेटल मसल्स। एंड दूसरा सब टाइप जो इनका है, दैट वी कॉल्ड एज एन एन। एन एन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट ऑटोनॉमिक गैंगले एंड एड्रीनल मेड्यूला, एंड एड्रीनल मेड्यूला। दिस वॉज अबाउट द डिफरेंट कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स। फॉर फर्दर डिटेल्स वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।